लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। महापौर ने आरडीएसओ पहुंचकर जनता के लिए मार्ग खुलवाया। आरडीएसओ प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से दौदा खेड़ा एवं सूर्यनगर जाने वाले मुख्य मार्ग को जबरन बंद करवाया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों व केसरी खेड़ा वार्ड पार्षद देवेंद्र सिंह यादव जीतू के नेतृत्व में पुरजोर विरोध किया गया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने स्थानीय जनता द्वारा मिली शिकायत के बाद आरडीएसओ पहुंचकर जनता के मार्ग बंद होने की समस्या का निस्तारण करवाया। दरअसल महापौर को वहां की जनता ने शिकायत की थी कि यहां आरडीएसओ कैंपस से सूर्यनगर को जाने वाले मुख्य मार्ग को बैरिकेटिंग लगाकर बंद किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को आने जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस पर महापौर ने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया एवं एडीजी आरडीएसओ से तत्काल फोन पर वार्ता कर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्यवाही का आग्रह किया। इस पर एडीजी आरडीएसओ ने महापौर संयुक्ता भाटिया को निरीक्षण करने के पश्चात उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। लखनऊ से संवाददाता पंकज चौहान की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।